हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। और मैं प्रीति पार्लर आ चुके हैं। आज मेरे को फिश टैंक साफ करना है, तो दिखाता हूँ मैं कैसे साफ करता हूँ फिश टैंक को। गाइस, ये मेरा फिश टैंक है। फिश टैंक देखो कितना गंदा हो रहा है। ये बिस्लेरी का पानी यूज करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जहाँ प्रीति का पार्लर है यहाँ पर ना खारा पानी आता है, इसलिए इसमें बिस्लेरी का पानी यूज किया जाता है। अब इसको हमने इसमें पानी बाल्टी में पानी भर लिया है। हमारे पास था पहले ऑलरेडी, तो हमने उसमें जग में से लेके हमने इसमें डाल लिया है। फिर बाकी और इसमें से लेंगे बॉटल में से। हम इसको गर्म इसलिए कर रहे हैं कि ठंड के टाइम में ना मछली को गर्म पानी थोड़ा चाहिए होता है, और हमारे पास गीजर तो दो है पर यहाँ पानी खा रहा है, इसलिए हमें रॉड से गर्म करना पड़ेगा। पानी करते पानी गर्म हो जाए 5-10 मिनट लगा देंगे। एक बाल्टी बहुत है, क्योंकि थोड़ा हमें ठंडा भी मिक्स करना पड़ता है, गर्म भी नॉर्मल रखना पड़ता है। फिर हम उसमें हीटर लगा देते हैं फिश पॉट में, उसका फिश वाले का, तो वो उससे होता रहता है मिक्सिंग पानी। चलो अब इंतजार करते हैं पानी गर्म होने का। हो गया सही? हाँ हो गया। घर उल्टा हो, घर को सीधा करो। तुम मेरी मछली के साथ क्या करना चाह रहे हो? बेचारियों के साथ खिलवाड़ नहीं हो। पहले एक दो मेरी मर चुकी है, एक इसमें चाची को बोलूंगी, चाची मेरी मछली मर गई है तुम्हारे घर जाते फिर। इस जो ये वाला बाल्टी का पानी है ना, इसमें सिर्फ एक ही डालना। देखो गाइस, हमारा टैंक हो गया साफ। हमने इसमें डाली है फिश की दवाइयाँ। ये है एंटी फ्लोराइन और ये एंटी ईस्ट, क्या है ये कलर के लिए होता है और ये क्लीनिंग उसके लिए होता है, कैलोरी नहीं। हाँ अच्छा लग रहा है ना, अब नीला नीला सा हो जाएगा ये हमारा। क्या जॉब है आपके पास? अगर गाइस किसी को प्रीति से कुछ, किसी लेडीज या गर्ल्स को कुछ कराना हो, क्योंकि ओनली फॉर लेडीज है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको नंबर दे दूंगा या एड्रेस बता दूंगा, तो आप आ जाना। तो आप प्रीति चाय मंगा रही है, तो चाय पी के फिर घर चलते हैं। तो गाइस प्रीति ने चाय समोसे मंगा लिए। प्रीति ने वो नमक पारी मंगा ली थी, वो कहाँ गई? मैंने कैंसिल कर दिया, एक चीज मंगानी थी ना। बड़ी हिंदी आ गई, क्या कर दिया? क्या 500 रुपए का काम करा लिया मेरे? ये कोई बात नहीं होती है, इसलिए समोसे मंगा दिए, मैंने नमक पारी नहीं मंगाई, ठीक है ना। तो इसने 500 रुपए का मेरे से काम करा लिया है और 10-15 रुपए में टरका दिया। तो गाइस हम मार्केट आ चुके हैं, मार्केट नगर मार्केट, और हम सर्विका के लिए कुछ सामान लेने आए हुए हैं, जैसे कि पिचकारी वगैरह और उसकी माला, होली के लिए जो सामान हमें चाहिए होता है वो सब। तो आइए आप हमारे साथ, हम देखते क्या क्या लेते हैं। ये बंदूक है वो वाली जिसमें कलर चलाए जाते हैं। कौन सी पिचकारी लेनी है? प्रीति लेना है सर्विका के लिए पिचकारी। ले 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 ले
और वो जो हाथ में वो आते हैं वो ये 200 रुपए का डब्बा है अनार का। अच्छा ये कितने का? और ये लड़ी है 100 रुपए की, कलर वाली लड़ी है। अच्छा ये 50 रुपए पीस बोल रहा है। हाँ इतने का ही मिलेगा। ये कितना मिलेगा? और ये प्रीति ले रही कलर वाले बाल। और गाइस प्रीति ने भी ली है 2 चक्री कलर वाली। ये भी लेने वाले हम 200 रुपए का है ये। बर्थडे में यूज करो सारे सारे वो लगता है ना इसका लगा दो लगा दो इसके रिफिल लिया वाले है क्या? हमें चाहिए गाइस डार्क कलर, क्योंकि मैं जाऊंगा अपने ससुराल और मेरी साली को अपने वो मेरे को अपनी साली के साथ होली खेलनी है, उसके लिए एकदम पक्के कलर चाहिए मेरे को। एक एक पता ना एक एक दो दो गाइस देखिए अब नई नई चीज़ें आ रही हैं डब्बे में। गुलाब 80 रुपए का है ये। और ये क्या आंटी गुलाल है? ये हर्बल गुलाल है मैम। अच्छा पैकेट है ये 300 रुपए का पूरा डब्बा। अच्छा 300 का पूरा डब्बा है। कितने का है? 17 रुपए की है ये लगा लो ना ये देखो 50 की अरे 50 बोल रहे हैं इसको लिख रहा हूँ। गाइस प्रीति ने एकदम बढ़िया सा बजट बना दिया है, काफ़ी सारा सामान ले लिया है। 1500 तक का बजट बन चुका है हमारा। और भी मैं देखूंगा अभी कुछ हम क्या लें। मैं देख रहा हूँ इनमें से कोई पिचकारी। बहुत महंगा महंगा सामान है। अच्छा तो है पर महंगा भी है काफ़ी। देखिए कितनी अच्छी अच्छी देखिए वाली अच्छी है काफ़ी पर महंगी है। ये देखिए कितनी अच्छी है। तो गाइज हम आ गए हैं सर्विका के लिए टी शर्ट देखने, होली पर उसको टी शर्ट पहनानी है। ये मोटू पतली वाली टी शर्ट है और एक नीचे रंग बरसे वाली वो ज़्यादा अच्छी लग रही है। कौन सी अच्छी लग रही है? ये वाली नीचे वाली ये वाली इसमें थोड़ी बड़ी है। इसमें थोड़ी बड़ी है तो छोटी है। तो गाइज हमने सर्विका की टी शर्ट ले ली है हैप्पी होली वाली और अब हम देख रहे हैं पिचकारी। हमने गुब्बारे तो ले लिए पर हम गुब्बारे भरेंगे किस चीज़ से, तो इसलिए हम पिचकारी देखने आए हैं दुकान पर। और वही क्या चल 220 रुपए की आ रही है। तो गाइज मार्केट में कुछ नया दिखाई दे रहा है इस बार, देखते हैं इसको क्या है। ये पता नहीं क्या है ये ले ले दिखाता हूँ आपको। अब ये क्या हो रहा है? 250 ले लो ये वाली ले लो।
गाइस हमारी शॉपिंग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। अभी हमने गुलाल भी लिए हैं दोबारा, क्योंकि हम कुछ और करना चाह रहे थे, रहेंगे ना छत पर, इसलिए तो इसलिए गुलाल ज़्यादा चाहिए हमें। एक पिचकारी चाहिए थी गुब्बारे फुलाने के लिए, वो भी ली है। तो गाइस हमारी शॉपिंग हो चुकी है और हमारा बिल बन गया है 2000 रुपये का। ये सिर्फ होली होली की शॉपिंग है, 2000 रुपये का खर्चा हमारा हो चुका है और अभी और कुछ भी लेना बाकी है, देखते हैं और क्या क्या लेंगे होली के लिए। तो गाइस मैं हो चुका हूँ तैयार, शाम के 7:30 बज रहे हैं, मैं जा रहा हूँ प्रीति को पार्लर से लेने के लिए, क्योंकि आज दीप वो मनीष और सोना आ रहे हैं मेरे ससुराल से होली का सामान देने के लिए, चलते हैं प्रीति को लेने के लिए। गाइस ये मम्मी की हाथ की बनी हुई बिरयानी है और मम्मी बहुत टेस्टी बिरयानी बनाती है। आप जल्द से जल्द हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर करवा दें तो सबको बिरयानी पार्टी मेरी तरफ से। तो गाइस प्रीति के भाई और जो बहन आए हुए थे सोना, वो अपने घर जा चुके हैं, वो वीडियो में ज़्यादा आए मतलब उनको आना नहीं था, कि उन्हें अभी थोड़ी सी इच्छा के वीडियो में आने में, तो वीडियो में नहीं आए। वो जो होली का सामान देने आए थे तो उसमें जैसे होली का सामान नॉर्मली आता है सूजी, क्या नाम, मैदा, चावल, दाल, ये सब आते हैं, मिठाई का डब्बा। और सर्विका के लिए सोना ये ले गई होली के लिए उसकी टी शर्ट और ये गुलाल के 2 पैकेट और उसकी पिचकारी, ये इसकी पिचकारी है। तो देर ज़्यादा हो गई थी उनको छोड़ने में, तो अब हम व्लॉग का एंड करते हैं और अब होली नज़दीकी आ गई है, तो आपको अब हमारे आगे व्लॉगों में होली से रिलेटेड बढ़िया बढ़िया वीडियो मिलेंगी देखने को। तो आप हमारी वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, पसंद करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।